कि त्यागी लोग भी इनको निकालेंगे, फिर अपने आप को दीपक त्यागी कहना छोड़ के घूम घूम के नफरती चिंटू कहेंगे। आपको बता दें कि यति नरसिंहन, सरस्वती और वसीम रिजवी, वसीम रिजवी के बारे में नहीं सुना है तो सुन लीजिए, सिया वक्फ बोर्ड का प्रेसिडेंट रहा है और ये वसीम रिजवी कहता है, कह रहा था कि कुरान में 26 आयतें जो है ये आयतें गलत ढंग से है, वो आतंकवाद को बढ़ावा देती है, तो खलीफाओं के द्वारा एडिट कर दिया गया है, तो वो बाद में 26 आयतों को हटाकर एक नया कुरान लिखा और कहा कि ये असली कुरान है। उससे हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं भड़के, क्यों? क्योंकि मुसलमान अपना उग्र रूप नहीं दिखाया और मुसलमान समझ गया है कि कहीं ना कहीं यति नरसिंहानंद और वसीम रिजवी जैसे कुत्ते ये भौंकेंगे कब, जब तक जो है रिएक्ट किया जाएगा तो भौंकेंगे, रिएक्शन छोड़ दीजिए तब देखिए ये शांत पड़ जाएंगे। दूसरे ये ऐसे कुत्ते हैं कि ये कब भौंकेंगे, जब पीछे मालिक खड़ा रहेगा तो भौंकेंगे, जैसे मालिक चला गया ये भौंकना बंद कर देंगे। आज योगी मोदी की सरकार है, इनको जितना भौंकना है भौंकने दीजिए, कल को सरकार चली जाएगी, इनके ऊपर कार्यवाही होगा, कार्यवाही कानूना नहीं होगा, संविधान के दायरे में ही होगा। लेकिन आप देखिएगा, मैं रविकांत भारती अनाउंस करता हूं कि अपने बिल में, बिल के अंदर घुसे हुए मिलेंगे। ये लोग चर्चा कर रहे थे, दोनों के दोनों मिले और मिलके चर्चा क्या कर रहे थे, तो चर्चा कर रहे थे जो वसीम रिजवी कहा कि कुरान की 26 आयतों को हटा दिया, असली कुरान अब हो गया। वो वसीम रिजवी कह रहा है कि कुरान को मानने वाला कैसा होगा, उसमें लिखा हुआ है काफिरों को मारो, मतलब हिंदुओं को मार दो, एक संदर्भ नहीं बताएगा। भागवत गीता में भी कहा है अर्जुन उठा और मार लोगों को, उठ और मार लोगों को, तो किस संदर्भ में, अगर संदर्भ हटा दिया जाए और कहा जाए कि भगवान श्री कृष्ण या कुरान कहता है इनको मारने को, तो यह सरासर गलत बात है, यह नाइंसाफी है, यह बेईमानी है, यह देश में नफरत फैलाने का, देश में हिंदू मुसलमान लड़वाने का, देश में दंगे फैलाने का एक षड्यंत्र बस है। तो यसीम रिजवी उसमें कहता है कि मोहम्मद पैगंबर के ऊपर कहता है कि उनकी बीवी जो खादिजा पहली बीवी थी वो बहुत पैसे वाली थी और उनका उम्र दोगुना था, लेकिन मोहम्मद साहब इतने लालची थे कि पैसे के लालच में उनसे शादी कर लिया, भले वो उम्र में दोगुनी औरत थी, इनका अगर उम्र 20 था तो उनका 40 था। तो मैं इस वसीम रिजवी से बता दूं कि पैगंबर मोहम्मद की जाके एक बार जिंदगी और पढ़ो और पाओगे कि उनके पास जितने पैसे दान में आते थे वो शाम तक सारे पैसे बट जाते थे, उनके हाथों में एक फूटी कौड़ी तक नहीं रह जाती थी। तो इस तरह की जो बातें कर रहे हो, मैं समझ रहा हूं इस बात करने का। देखिए भाजपा में जो है शहनवाज हुसैन और नकवी, ये दो ही मुसलमान लोग हैं। ये तीसरा जो है वसीम रिजवी, एक ऐसा प्यादा मिला है जो पार्टी का मेंबर नहीं है, और पार्टी का मेंबर नहीं है, और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है किसी तरह मुसलमान के भावनाओं को आहत करके उनको उग्र कर देना, और वो उग्र हो जाए तो उसका फायदा बाद में जो है राजनीतिक फायदा लिया जा सके। यति नरसिंहानंद ये कह रहा है हमारी बातों को सामाजिक दृष्टि से देखा जाए, राजनीतिक नहीं, तुम पूर्ण रूप से राजनीतिक दलाली कर रहे हो, तुम दोनों वसीम रिजवी और यति नरसिंहानंद तुम ऐसी दलाली कर रहे हो आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लाने के लिए, तुम लोगों को पता नहीं, और कहा जाए कि सर नीचे करके और पैर ऊपर करके 10 दिन रहो तो तुम लोग शायद वो भी प्रयास करोगे कि 10 दिन ऐसे रह जाए, और कहते हो कि राजनीतिक बातें नहीं करता। तो आप लोगों को यही बता दूं कि यति नरसिंहानंद सरस्वती और वसीम रिजवी, इन दोनों का एक उद्देश्य है, और ये दोनों पहले अलग अलग नफरत परोसते थे, लेकिन अब दोनों देख रहा हूं दासरा मंदिर में बैठे दिख रहे हैं और वहां से नफरत फैला रहे हैं। लेकिन यह हिंदुस्तान है, यह हिंदुस्तान समझता है, यहाँ के हिंदू मुस्लिम सब समझते हैं। आजकल महंगाई जो कहते हैं ना, धर्म का नाम तब आता है, एक हिंदू धर्म में कहावत है, भूखे भजन न होए गोपाला, लेला अपन कंठी माला, मतलब भोजपुरी में है कि अपना कंठी माला ले लो, भूखे भजन नहीं होगा, मतलब समझने जैसा है दोस्तों। ये जो आजकल महंगाई की मार, लोग जो भूख इंडेक्स में गिर रहे हैं ना, भूख इतनी बढ़ गई है कि अब इनको बोलो कि राम मंदिर फलाना ढिकाना, इनको अब सूझ नहीं रहा है, और वो अब राम मंदिर और फलाना ढिकाना छोड़ के अब सरकार का जो है ना गर्दन पकड़ने पे आ गए हैं कि पेट्रोल डीजल की दाम को कम करो, और उनको जो उपचुनाव में औकात दिखाया है तो पेट्रोल और डीजल के दाम को कम करने में ये जो है पूर्ण रूप से घुटने टेकी सरकार, और घुटने टेकी है। अभी पेट्रोल डीजल के दाम कम हुआ है, आगे आगे देखिए, अभी पूरी की पूरी कहानी बाकी है, आगे देखिए क्या होता है। वैसे यति नरसिंहानंद महाराज जी बीच में कह रहे हैं, वसीम जी आपको डर नहीं लगता पैगंबर मोहम्मद के बारे में ऐसा बोलते हुए? वसीम जी आपको भी डर नहीं लगता? हम लोगों का हश्र वही होगा एक जैसा कि मार दिया जाएगा। इन बधुओं को मैं कहूंगा कि अभी तो तुम लोग बैठ के जो बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे हो ना, आदमी तुम लोग कह रहे हो हमारी, हमारे साथ हमारा मौत हो जाएगा। कमलेश तिवारी की हत्या किसने करवाई? योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ या अखिलेश यादव के सरकार में? अखिलेश यादव के सरकार में कमलेश तिवारी को इतने प्रोटेक्शन दिया गया था कि उसका कोई हिसाब नहीं। योगी आदित्यनाथ आए और बोले बहुत अच्छा मुर्गा है, इसको काट डालो, और इसको काटने से जो है हिंदुओं में एकता बढ़ेगी और मुसलमानों के प्रति द्वेष बढ़ेगा। और क्या हुआ, मर्डर हो गया उनका। जब मर्डर हो गया तो सोचे परिवार वाले तो अब जो है
हिंदू मुस्लिम होगा। एक गोदी मीडिया के तमाम है, रोहित सरदाना जो मारा गया ना उस वक्त, उनके माता जी से कह रहा है बताइए हिंदू मुस्लिम को आप क्या देखते हैं। उनके माता जी कह रही है कि ये सरकार ने मरवाया मेरे बेटे को, योगी आदित्यनाथ ने मरवाया मेरे बेटे को। इन सबकी जो है मुंह बंद हो गई। तो यति नरसिंहानंद सरस्वती तो हट गया, आप गिरी हो गए। वसीम रिजवी कितना दिन तुम लोग ऐसा नफरत फैलाओगे, कितना दिन नफरत बांटोगे। देखो ना जिसके लिए काम कर रहे हो कमलेश तिवारी का क्या हुआ, कहीं बलि का बकरा तुम्हें ना बना दे। और बलि का बकरा बना के वो लोग एक टेन में और बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनकी आदत है कभी सेना तो कभी कुछ, तो कभी भी नप सकते हो। इसलिए मरने के बाद सबका एक हश्र होगा। इसलिए जी रहे हो तो आध्यात्मिक हिंदू जुवाद जो कहता है, हिंदुत्व जो कहता है, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी से प्रेम कर लो और सभी को एक जैसा मानो। मरने के बाद ऐसा ना हो कि मुंह दिखाने लायक ना रहो। एक नफरती चिंटू से मैं मिला था, मरते वक्त क्या कह रहा है पता है, मुझे माफ करो। और वो नफरत फैलाने का कार्य करता था, उसको कैंसर हो गया तो बोल रहा है मुझे माफ कर दो। तो ऐसे बहुत सारे नफरती चिंटू को मैं तुम्हें दिखा दूंगा। और तुम लोगों का भी दुकान ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, जब तक जो है ये बातें कर रहे हो कर लो। और तुम सभी जानते हो कि योगी आदित्यनाथ इस बार गए तो सेंटर में बीजेपी गया, और उसके बाद जो है स्थिति बुरी हो जाएगी। स्थिति बुरी इसलिए हो जाएगी कि अभी योगी आदित्यनाथ मोदी जी तुम लोगों को ऊपर जो संविधान के दायरे में जो कार्रवाई होता है वो कार्रवाई पे बहुत थोड़ा सा उम्र खाली, मुसलमान नाम होने से ही एक दो साल जेल में रहे। लेकिन तुम लोग जैसे नफरती चिंटू, पुष्पेंद्र कुलथ्रोस जैसे नफरती चिंटू कितने भी नफरत फैलाओ, लेकिन तुम लोगों के ऊपर कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है। जब सरकार बदलेगी तो एक्शन लिया जाएगा, और कौन लेगा एक्शन, संवैधानिक दायरे में लेगा, दूसरी सरकार लेगी। लेकिन जब संवैधानिक दायरे में जब लेगा तो तुम लोग अच्छे से अंदर जाओगे और वहां पे जाके चक्की पीसोगे। इसलिए बुद्धि अभी भी बुद्धि बची हो तो बुद्धि को खोल लो, और नहीं तो कहते हैं ना ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं। गलत करोगे तो उसका नतीजा गलत आएगा। धन्यवाद।